अरे भाजपा में कोई ऐसा आदमी है नहीं मुख्यमंत्री बनने वाला, कोई नहीं है। महाराष्ट्र नहीं है, यह बिहार है, नीतीश कुमार का राज है, यहाँ पर कोई हिलने वाला नहीं है। खुट्टा गाड़ विधायक, खुट्टा गाड़ विधायक, गाड़ दिए तो गाड़ दिए, कोई उखाड़ नहीं सकता। भाजपा अलग होके देख ले, संजय जायसवाल क्या देंगे। संजय जायसवाल जब अध्यक्ष बने ना, प्रदेश अध्यक्ष, तब तो उनका नाम सुने, उनको तो हम लोग जानते भी नहीं थे। जदयू नहीं भड़का रही है, ये गलती किया राजनाथ सिंह ने। अगर जदयू क्या भड़काएगी, ये तो पूरा हिंदुस्तान भड़क गया। तो गलत से जो मन में होता करते रहता है भाजपा वाले। गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने बीजेपी और जदयू के बीच छिड़े जुबानी जंग पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संजय जायसवाल जब प्रदेश अध्यक्ष बने तब से उनको जान रहे हैं, हम तो उनको पहले जानते भी नहीं थे। भाजपा को भागलपुर में हम मजबूत किए हैं, संजय जायसवाल में समझदारी की कमी है। देखिए बीजेपी वाला जो है ना, संजय जायसवाल क्या देंगे। संजय जायसवाल जब अध्यक्ष बने ना, प्रदेश अध्यक्ष, तब तो उनका नाम सुने, उनको तो हम लोग जानते भी नहीं थे। पहले हम भाजपा में ही थे, भाजपा को नवगछिया के अंदर भागलपुर जिला का हम मजबूत किया है, भाजपा ही में थे, संजय जायसवाल को जानते नहीं। अगर जदयू के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो नहीं बोलना चाहिए, समझदारी की कमी है संजय जायसवाल को, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अभी गठबंधन के तहत हैं, हम लोगों का सोच है 5 साल सरकार चले, MP का चुनाव हो, MP में हम लोग मतलब जुड़ के चुनाव लड़े, ताकि हम 400 के 400 सीट लाएंगे। कह रहे हैं अग्निपथ योजना जो आई है उसमें जदयू भड़का रही है। जदयू नहीं भड़का रही है, ये गलती किया राजनाथ सिंह ने। अगर अभी DM साहब से हम बात कर रहे थे, राजनाथ सिंह ने गलती किया, उनको ये विज्ञापन में ला के समझा के इससे ये लाभ होगा, ये लाभ होगा, इतना कह के करते नहीं थे, इतना उत्पात नहीं मचता, तो लगा कि अब 4 साल का नौकरी मिलेगा, इससे कितना लाभ मिलने वाला है। 4 साल की नौकरी नहीं, 4 साल की ट्रेनिंग तो होगी, साथ साथ वहाँ पर पढ़ाई भी होगा, ये जानकारी नहीं दिया, छात्र लोग पगला गया। जदयू क्या भड़काएगी, ये तो पूरा हिंदुस्तान भड़क गया। तो गलत से जो मन में होता करते रहता है भाजपा वाले, ये सोच समझ के बयान देना चाहिए ना। गलत कदम था ये। हाँ गलत कदम नहीं, सोच समझ के बयान देना चाहिए, ताकि लोगों पर सही छाप पड़े, लोगों को जानकारी हो। ये दूसरे अनंत दूसरे देश में यह लागू हुआ है, 4 साल वाला वह लागू करना चाह रही थी, तो अपने मुल्क के लोगों को समझा के ना लागू करते, नहीं समझदारी ऐसे बयान दे दिए, भड़क गए, जदयू क्या भड़काएंगे। वहीं अग्निपथ योजना पर कहा कि राजनाथ सिंह ने गलती की है, पहले विज्ञापन निकालकर जानकारी देनी थी, उसके बाद ये लागू करना था। भाजपा वाले गलत सही करते रहते हैं, इसलिए हिंदुस्तान का छात्र भड़क गया। वहीं उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र नहीं बिहार है, हम लोग खूटा गाड़ विधायक है, कोई उखाड़ नहीं सकता। भाजपा में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मुख्यमंत्री बने, भाजपा अलग चुनाव लड़ के देख ली, औकात का पता चल जाएगा। भाजपा के पास सिर्फ 2 ही जात है जो वोटिंग ही नहीं करती। महाराष्ट्र में ऐसी घटना घटी है तो पूरा हिंदुस्तान सतर्क है। शिक्षा मंत्री जदयू के हैं, हालत क्या खराब है, हालत खराब क्या होगा, धीरे धीरे सुधार रहा है ना, सुधर रहा है, बिगड़े हुए व्यवस्था को आदरणीय नीतीश कुमार के समय काल में सुधरा है, तो धीरे धीरे सुधार ही रहा है। क्या लगता है महाराष्ट्र में जिस तरह से BJP का खेल चल रहा है, हम लोग सावधान हैं, ये महाराष्ट्र नहीं है, यह बिहार है, नीतीश कुमार का राज है, यहाँ पर कोई हिलने वाला नहीं है। पहले ऐसा करेगा क्यों, 5 साल चलने दे BJP वाला, क्यों खरीद बिक्री करेगा भाई, यहाँ जदयू का आदमी कोई खरीदाता है। हम लोग खुट्टा गाड़ विधायक, गाड़ दिए तो गाड़ दिए, कोई उखाड़ नहीं सकता। कोशिश तो चल रही है। अरे भाजपा में कोई ऐसा आदमी है नहीं मुख्यमंत्री बनने वाला, कोई नहीं है, है तो अभी नीतीश कुमार है। भाजपा अलग होके देख ले, चुनाव करा के देख ले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल दिए।